दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं काइनमास्टर से और आप वीडियो को अपने प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सीख लेते हैं और देख लेते हैं कैसे हम लोग बैकग्राउंड चेंज करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं अपना काइनमास्टर ओपन कर लिया, इस पर हम लोग अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पर हम लोग जो भी बैकग्राउंड लगाना होगा वो बैकग्राउंड हम इसमें पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जो मेरा वीडियो था मैं इसमें आपको बताया हूँ कि इसमें मैं श्रम कार्ड के बारे में बताया था, तो मुझे श्रम कार्ड का ही बैकग्राउंड इसके पीछे लगाना है। तो जैसे मैंने दो तीन जैसे पिक्चर मैंने इसमें सेलेक्ट कर ली हैं, तो इन पिक्चरों को करना क्या है, हम लोगों को इसको स्टॉप कर देना। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया है तो इन दोनों को स्टॉप करने से ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड चलेगा ना ये स्टॉप रहेगा। अगर दोस्तों आप चलता फिरता बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक निर्धारित बैकग्राउंड की ज़रूरत है जो स्टॉप हो बिल्कुल से। इसके बाद ये जो लेयर है हम बढ़ा रहे हैं, इसको पूरे तरीके से बढ़ा लेना, जितना आपके अपने वीडियो का आपका लेयर जितने वीडियो की लेंथ है उतनी दूर तक का आपको इसको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद करना क्या है दोस्तों कि आपको अपनी वीडियो को इसमें ओपन करना है, इसमें जो लेयर में आपको ओपन करना है दोस्तों, ओपन में जो ओपन नहीं करेंगे जो साइड में ये है उसमें ओपन करेंगे, और जो हमने वीडियो बनाई है तो वो ग्रीन पर्दे में बनाई है। अगर दोस्तों आप कोई और भी कलर में बनाते तो भी हो जाएगा, लेकिन ग्रीन कलर में बहुत ही आसानी होती है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको क्रॉप कर लेंगे जो भी हमें फालतू के पार्ट है, सिर्फ हमें ग्रीन पर्दे का ही पार्ट लेना है और जो फालतू के उनको हटा देना है। इससे होगा क्या कि ग्रीन जो स्क्रीन होगी वही सिर्फ हमें मिलेगी, बाकी का तो उसका बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा। तो हम लोग पहले इसको देखिए सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे क्रोमा की में ओपन करेंगे। क्रोमा की में ओपन करते ही इसका जो बैकग्राउंड है चेंज हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं इसको, और इसको अच्छे से सेटिंग करके बिल्कुल से कर देते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपका बैकग्राउंड थोड़ा पीछे आ रहा होगा वो भी हट जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि साइड में थोड़ा सा इसमें अभी कटआउट जैसा आ रहा था, हम लोग थोड़ा सा और भी इसको क्रॉप करते हैं, क्योंकि क्रॉप इसको करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा और भी इसमें जो बैकग्राउंड इसका जो था ग्रीन स्क्रीन छोटी हो रही थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा कट रहा है, तो वो हम लोग साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कभी भी वीडियो बनाइएगा तो थोड़ा बड़ी स्क्रीन में बनाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो जैसे मुझे आती है कभी कभी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये तो बिल्कुल से मुझे नहीं लगता कि ये हटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो को साइड में कर देंगे। जैसे दोस्तों हम इसमें साइड में कर दिए हैं, तो साइड में करने से होगा कि जो कटिंग आ रही थी तो वो अब नहीं आएगी और इसका अच्छे से बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। जैसे दोस्तों आप लोग तो सीख गए होंगे कि इसमें बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, तो आप लोग भी इसी तरीके से आसानी से अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।